रायबरेली तबलीगी इज्तिमा का आज बादस नमाज असर से आगाज। कोरोना के सबब इज्तिमा 30,000 की हासिल तक महदूद। बैरून मुल्क से वफूद की शिरकत पर भी पाबंदी। मुंतजमीन की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की यकीन दहानी। रेलवे पुलिस का इज्तिमा के पेश नजर मुसाफिर ट्रेन में आतिशगीर मादा और गैस चूल्हों की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद। रायबरेली स्टेशन के दाखिले और खारजी रास्तों पर रेलवे पुलिस कमांडोज भी तैनात। नाकिस कारकर्दगी या अपोजिशन की तहरीक, हुकूमत पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से कतराने लगी। इलेक्शन कमीशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल होने के बावजूद हीले बहाने जारी। डेढ़ माह बाद भी नेबरहुड काउंसिल्स के नाम तजवीज नहीं किए जा सके। हल्का बंदियों की फहरिस्तों की इशात का काम भी रोक दिया गया। 4,42,00,000,000 अखराजात का तखमीना। हुकूमत के माथे पर पसीना। नए बल्दियाती निजाम का नफाज सस्ता नहीं महंगा सौदा। पंजाब के महकमे बल्दियात की तैयार की गई इब्तदाई अखराजात की फहरिस्त सिटी 42 मंत्रियां पर ले आया। ट्रांसपोर्ट पूल में 150 गाड़ियों की नीलामी से प्रोटोकॉल। गाड़ियों की किल्लत, मेहमानों के लिए अफसरान से मांग कर लग्जरी कारों का इस्तेमाल मामूल बन गया। नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी के सबब मौवन खसूसी बराए इत्तला ताहाल बेकार। साबिक वज़ीर जेल जवार हसी बड़ायत से वापस आने वाली गाड़ी फिरदौस आशिक अवान को देने का फैसला। पंजाब की 42 जेलों में 5,400 मुलाजमीन की शॉर्टेज। बहरान के बावजूद अफसरान की मौज मस्ती। महकमा जेल के 350 मुलाजमीन को घरों की ड्यूटी पर मुकर्रर कर दिया गया। लेस्को GSO सर्कल में करोड़ों रुपए के खपते। अफसरान की मिलीभगत से कवायद के बरखिलाफ मनपसंद कंपनी को ट्रांसफार्मर ठीक करने का ठेका। 1 करोड़ से जायद के मुरम्मती अखराजात के बाद ट्रांसफार्मर 75 लाख रुपए में फरोख। कंपनी को 2.5 करोड़ नुकसान का खदशा। सिफारिशी कल्चर के खात्मे और सारफीन की आसानी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट कंप्यूटराइज करने का फैसला। सॉफ्टवेयर तैयार। इब्तदाई तौर पर DHA ड्राइविंग सेंटर पर नए सिस्टम के तहत काम शुरू किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का गूंगे बहरे। अफराद को ड्राइविंग की इजाजत देने का भी फैसला। लाहौर में बुजदार मेट पहला मेगा मंसूबा। 3 माह की डेडलाइन वाला फिरदौस मार्केट अंडरपास 6 माह भी नामुकम्मल। वज़ीरे आला बरहम, चीफ इंजीनियर की मौतली और LGA हुकाम को शो कॉज के बाद तामीराती काम की रफ्तार गैर मामूली तेज हो गई। आंख मचौली खत्म, मुज़ाकरात कामयाब। किसानों का धरना खत्म कर दिया गया। हुकूमत गिरफ्तार, मुजाहिरीन की फौरी रिहाई पर आमादा। मसाइल के हल की भी यकीन दहानी। मुज़ाकरात में वज़ीरे कानून आदम शारत, CCPO और किसान तंजीमों के नुमाइंदे शामिल हुए। किसान इत्तेहाद का धरना ठोकर न्यास बेग पर दिन भर आंख मिचोली। हंगामा आराई, पुलिस की शेलिंग, लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन का जवाबी पथराव, हुकूमत के खिलाफ नारे। पुलिस एक्शन के बाद मुल्तान रोड पर ट्रैफिक बहाल। चौधरी परवेज इलाही की किसानों के मुतालबात की हिमायत कर दी। हुकूमत को जायज मुतालबात फौरी मानने का मशवरा। मरियम नवाज का भी किसानों से यकजहती के लिए ट्वीट। तशद्दुद की मजम्मत, राणा सनाउला ने पुलिस की जानिब से केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल नाकाबले बर्दाश्त करार। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा और चौधरी मंजूर की भी पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। एजुकेटर्स को मुस्तकिल न करने के खिलाफ 8 इस्तेमाल तंजीमें मुत्तहिद। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। एजुकेटर्स की मुस्तकिली का मुतालबा, वादा पूरा न करने पर हुकूमत के खिलाफ नारे। एहतजाज के सबब घंटों ट्रैफिक जाम रही। वज़ीर आज़म का नोटिस, सब्जियां भी महंगी कर गया। ओपन मार्केट में सब्जियों के नर्ख सुनकर शहरियों के आसान खता। अदरक 600 रुपए, देसी लहसुन 400, टमाटर 200, ब्रॉयलर चिकन 281 रुपए किलो हो गया। हुक्मरानों के दावे और इंतजामिया के कॉस्मेटिक्स इकदाम। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की फौज जफर मौज भी बेकाबू। कीमतों के कंट्रोल में नाकाम। हफीज सेंटर की बहाली का काम तेजी से जारी। बिजली की नई तंसीबात के लिए लेस्को और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स का अमला काम में मसरूफ। सदर सेंटर मलिक कलीम के मुताबिक इमारत का 78% हिस्सा आतिश सदगी से बच गया। कारोबार जल्द बहाल होने से कारोबारी मरकज की रौनकें वापस आ जाएंगी। जनरल अस्पताल की MRI मशीनें खराब। टेस्ट के लिए मरीज इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज की MRI पर मुंतकिल। गैर मामूली रश के सबब मरीजों को आइंदा 7 जनवरी तक का वक्त दिया जाने लगा। गैर कानूनी शादी हॉल्स और मार्किस, कब्जा माफिया का नया चाल। एंटी करप्शन की हरबंस पूरा। सरकारी राजी पर कायम शादी हॉल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई।
मकामी पटवारी, डेरा मार्की, ताज पैलेस, मदनी मार्की, नवाब पैलेस, अल-रहमान, शादी हॉल और दीगर के रिकॉर्ड तला। शोबिज शख्सियात की आमदनी पर FDR की कड़ी नजर, दुबई फ्लैट गोशवारों में जाहिर ना करने पर गुलकार आतिफ असलम को 5,80,00,000 रुपए का इनकम टैक्स नोटिस। कस्टम्स इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, क्वेटा से स्मगलशुदा सामान लेकर आने वाला कंटेनर पकड़ लिया गया। कंटेनर से खुश्क दूध, कपड़े और टायर्स की भारी खेप बरामद, पकड़े जाने वाले सामान की मालियत 6 करोड़ से जायद करा। नैब हंगामा आरआई केस में लीगी कारकुनान की जमानत, नागिर तफ्तीश का कसूरवार, चूंग का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन निकला। DIG इन्वेस्टिगेशन ने इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास को मुअत्तल करके हेडक्वार्टर भेज दिया। नैब की मुदय्यत में दर्ज मुकदमे में मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा नामजद थे। 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन का आगाज चैलेंज, लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस आयशा ए मलिक का एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस, 10 नवंबर को पेश होने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी खुराक, कैन कमिश्नर समेत दीगर फरीकैन से भी जवाब तलब। हम माएं, बहनें, बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है, खवातीन के तहफ्फुज के लिए अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार ने विमेन सेफ्टी एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। एप्लीकेशन किसी भी हंगामी सूरत हाल में खवातीन को पुलिस से फौरी राबते में मदद देगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स, गुलशन रावी थाने की नई इमारत और DHA में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का भी इफ्तिताह किया। बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी, पंजाब पुलिस में 5,700 भर्तियों की मंजूरी। महकमा बल्दियात में भी 659 अफसरान भर्ती करने का फैसला, रिक्विजिशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को एहसास। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का सिटी 42 के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, तालीमी इदारों की बंदिश के लिए मुशावरत से मुतल्लिक खबर को वजीर तालीम पंजाब ने खुद से ही फैसले की ताबीर दे दी। बेबुनियाद ट्वीट वजीर तालीम की कम इल्मी और कम फहमी का शाहकार साबित। सिटी 42 ने हमेशा की तरह जिम्मेदाराना सहाफत और हकायक पर मबनी खबर नशर की। पार्लियामेंटेरियन से असासों के तफसीलात तलब, मेंबरान असेंबली को अपनी शरीके हयात और बच्चों के असासों और सालाना वाजिबात की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी। मुस्लिम लीग नून को माली बहरान का सामना, पार्टी सेक्रेटेरिएट में दफ्तरी उमूर की इंजामदही और मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए फंड की किल्लत पर चंदा मुहिम का आगाज। 37 अराकीन असेंबली और रहनुमाओं से रकम की डिमांड, दफ्तर की गैस अदम अदायगी पर पहले ही कट चुकी है। गंगाराम अस्पताल के पैरामेडिक्स का सर्विस स्ट्रक्चर वापस लेने की कोशिशों पर मजामत का ऐलान, पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन के लिए अलाउंस और अमला रेगुलेट करने, काउंसिल के कयाम का भी मुतालबा। फेडरेशन चेंबर, बसरे इक्तदार ग्रुप में इख्तलाफात पैदा हो गए। सीनियर नायब सदर मियां जाहिर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया, मुझे ओहदे के मुताबिक इज्जत और तकरीम नहीं दी जा रही, फैसलों पॉलिसीज के अमल में शरीक नहीं किया जाता। मियां जाहिद हुसैन का शिकवा, बोले हमें सर्व किए हुए फैसले सुना दिए जाते हैं, बिजनेसमैन पैनल की रुकनियत भी छोड़ने का ऐलान करता हूं। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ वाबदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का एहतजाज, मुजाहिरीन की फ्रांस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खुर्शीद अहमद बोले नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी काबिल मजम्मत है, फ्रांसीसी अशिया का बायकॉट करके उम्मत मुसलमा एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। मेंटल अस्पताल के पैरामेडिक स्टाफ का भी गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। रहीम स्टोर की जानिब से सारफीन के लिए उमरा की सआदत का सुनहरी मौका, माह रबीउल अव्वल की 18वीं कुरानदाजी में मजीद 4 खुश नसीबों के लिए उमरे के टिकट। बाबला टाउन ब्रांच पर लेगी खातून रहनुमा बीबी वडेरी ने कुरानदाजी की। पंजाब बार कौंसिल इंतखाबात के लिए सरगर्मियां जारी, अल-मुस्तफा लॉयर्स फोरम के ज़ेरे एहतमाम सैयद अजवर अब्बास शमसी के एजाज में तकरीब, शरीक वकला की जानिब से भरपूर हिमायत का ऐलान। नेशनल वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट में इनकम टैक्स सीनियर फातेह आशियाना बॉयज को 167 रन से शिकस्त, पहले खेलते हुए इनकम टैक्स सीनियर ने 6 विकेटों पर 283 रन बनाए, जवाब में आशियाना बॉयज 116 रन पर आउट हो गए। और रोजाना 6 घंटे रक्स की मशक, अदाकारा निगाह चौधरी ने सुपर फिटनेस के रास्ते पदा उठा दिया, कहा शोबिज में फिट रहने और मायारी परफॉर्मेंस के लिए डांस में महारत बेहद जरूरी है।